हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राज किचन। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो बहुत इजी तरीके से बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत इजी तरीके से बनती है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए और ये गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा और ये मैंने भिंडी इस तरह से कट करके रखी थी। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और कॉटन कपड़े से पोंछ लिया इसका पानी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखी है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं और इसको अब हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इसे मिक्स कर लिया है और इसे चलाते हुए इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। इसे कवर नहीं करेंगे, बस ऐसे ही इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये भिंडी फ्राई हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे नींबू का रस, 4 से 5 बूंद। इससे क्या होगा, ये जो भिंडी है आपस में चिपकेंगी नहीं। और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अभी इसे फ्राई होते 2 मिनट हो चुके हैं, बस थोड़ा सा और इसे करना है। तो ये देखिए, इसे फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कुछ मसाले। ये है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लिया है मैंने, इसे डाल देते हैं। और इसी के साथ लिया 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। और ये 1/2 टीस्पून लिया मैंने गरम मसाला, इसे भी डाल देते हैं। और इसी के साथ 1/2 टीस्पून मैंने लिया हुआ ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने बारीक ग्राइंड नहीं किया है, बस दरदरा सा कूट लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है आमचूर का पाउडर यानी मैंगो पाउडर, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इन सबको मिक्स कर लिया है और इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, बस 1 मिनट तक ऐसे चलाते हुए इसे भी मसालों के साथ भून लेंगे। ये भिंडी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये, तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही मैंने 2 अनियन ली है, ये हरी वाली जो अनियन होती है ताज़ी, मैंने वही ली है। तो इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो बगैर अनियन के भी बना सकते हैं इसे। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अनियन को भी मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अभी इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है, नमक अभी बाद में ऐड करेंगे, 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को कुक होते हुए। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा अभी अनियन सॉफ्ट हुई है और भिंडी भी अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब इसे हम कवर करके नहीं पकाएंगे और इसे खुला ही ऐसे पकाएंगे। और इसी के साथ अब हम नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड करेंगे। मैंने नमक पहले ऐड नहीं किया था, नमक से थोड़ा सा जल्दी से ये भिंडी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए लास्ट में डाल रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा हींग ली है, 1 चुटकी, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना ये ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिया है, इसको भी डाल देते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में भी सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी भी बनती है, तो इसलिए तो इन सबको मिक्स करके इसी तरह से बनाएंगे भिंडी को। अब इसे कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से हम फैला देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए, इसको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस का फ्लेम फुल कर देते हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और ऐसे ही चला लेते हैं हम फुल फ्लेम पे इसे, क्योंकि अब भिंडी की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके। तो अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गई है भिंडी भी और अनियन भी। तो बस इतना ही पकाना है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे सर्व कर लिया है और ये बनके बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो चुकी है भिंडी की सब्ज़ी। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी ये सब्ज़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।